अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है जन। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप लोग फेसबुक यूजर हैं, वैसे तो सभी फेसबुक यूजर हैं, लेकिन अगर आप लोग फेसबुक में कुछ अपलोड करते हैं, अगर आप वीडियोस अपलोड करते हैं या कुछ भी पेज बना के अपलोड करते हैं, तो आप लोग किस तरह फेसबुक से अर्निंग कर सकते हैं। जी हाँ, देखें यूट्यूब एक जमाने में था, अभी भी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आज के टाइम पे YouTube से ज्यादा Facebook अर्निंग दे रही है और सारे तकरीबन Facebook को भी इतना सपोर्ट कर रहे हैं जितना कभी YouTube को किया जाता था। तो वीडियो में मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि आपको क्या क्या जरूरत है एक पेज पर अर्निंग मोनिटाइजेशन ऑन करने के लिए Facebook पे, कितने फॉलोअर्स चाहिए, कितने लाइक्स चाहिए या कितना कुछ भी, सबको आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मीम्स यूजर हैं, मीम्स बनाते हैं, कोई पोस्ट करते हैं सिर्फ इमेज की जरूरत पे, वीडियो नहीं, अगर आप इमेज वाले बंदे जो पेज बना के अपनी इमेज में आपको फॉलोवर्स वगैरह तो सब आ जाएंगे, लेकिन आप फेसबुक की मोनेटाइजेशन ऑन नहीं करा सकते। फेसबुक ने यहाँ पे साफ बोला है कि अगर आपको मोनेटाइजेशन ऑन करानी है तो आपको वीडियो डालनी पड़ेगी, वो भी एक दो सेकंड की नहीं, 3 मिनट से ऊपर वीडियो डालेंगे, मिनट्स में वीडियो डालेंगे तो ही मोनेटाइजेशन ऑन होगी, लेकिन उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप मीम्स बनाते हैं या फनी पोस्ट शेयर वगैरह करते हैं तो वहां पर आपको स्पॉन्सरशिप तो मिल सकती है, लेकिन फेसबुक अपने तौर पर मोनेटाइजेशन ऑन नहीं करने वाला। तो आइए मैं आपको थोड़ी लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और देखते हैं कि फेसबुक आखिर फरमा क्या रहा है। सबसे पहली जो फेसबुक की रिक्वायरमेंट है वो ये कह रहा है कि पेज होना चाहिए आपकी प्रोफाइल नहीं। देखें आपकी जो यूजर प्रोफाइल होती है, हम सब चलाते हैं फेसबुक आईडी, उसमें अगर आप वीडियोस वगैरह डालेंगे तो नहीं चलेगा, आपका एक पेज होना चाहिए। उसके बाद ये कहता है उसके अंदर 10,000 फॉलोवर्स होने चाहिए, मतलब 10,000 लोगों ने आपको फॉलो किया हो। उसके बाद फेसबुक बोलती है कि आपके पास 30,000 मिनट व्यूज हो, मतलब ये है कि आपकी वीडियो 1 मिनट की है तो 1 मिनट में पूरा देखूंगा तो ही फेसबुक उसको व्यू में काउंट करेगा, वरना नहीं काउंट करेगा। और 60 दिन के अंदर 30,000 व्यूज आपके होने चाहिए, मतलब जो 60 दिन है, अगर 60 दिन के बाहर आपके नहीं होते तो मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगी। और तीसरी चीज यही है कि आप 18 साल के होने चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, ये फजूल सी चीज है। और चौथी चीज जो आपको नजर में रखनी है वो है स्ट्रीम एड्स, मतलब आपकी कंट्री में जहां आप रहते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं भी आपकी कंट्री में फेसबुक एड्स अवेलेबल होने चाहिए। फेसबुक की ये पॉलिसी, ये उनकी सहूलत होनी चाहिए एड चलाने वाली, तभी आपकी मोनेटाइजेशन ऑन हो। तो इन्हीं सारी बातों को देखते हुए यूट्यूबर्स क्या कर, यूट्यूबर जो कंटेंट डालते थे यूट्यूब पे वही सेम उठा के फेसबुक में भी डाल देते हैं। और याद रहे, आपने ज्यादातर नोट किया होगा कि फेसबुक में हमेशा फनी कंटेंट चलता है, फनी वीडियोस भी फेसबुक पे चल रही हैं ज्यादातर नॉलेजेबल वीडियोस के, क्योंकि आप प्रैंक्स देखेंगे, आप फनी वीडियोस देखेंगे, लोग चिल मारने फेसबुक में आते हैं, लोगों को पता है अगर मुझे एजुकेशन चाहिए तो मैं यूट्यूब पे जाऊंगा, चिल मारने यूट्यूब में नहीं जाऊंगा, फेसबुक ऑन करूंगा। और फेसबुक ऑन करके जब आप वॉच के सेक्शन में जाते हैं तो आपको टोटली फिल्म्स के ट्रेलर, फनी प्रैंक्स वगैरह, फनी वीडियोस दिखती हैं जो यूट्यूबर्स की तरफ से होती हैं, और सारे लोग इसी तरह से यूट्यूब से भी ज्यादा फेसबुक पर नहीं कर रहे। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी उठा के फेसबुक पर डालें, नहीं, यूट्यूब की तरह फेसबुक ने भी बहुत होशियारी पकड़ ली है, वो भी डिटेक्ट कर लेते हैं कि आपका कंटेंट कौन सा ओरिजिनल है और आप किसी कंपनी या किसी भी अथॉरिटी का कौन सा कंटेंट डाल रहे हैं। आपको कॉपीराइट आ सकता है, आपकी वीडियो डिलीट हो सकती है और आपका पेज भी उड़ सकता है। तो यहाँ पर भी इतनी खास उनकी सिक्योरिटी नहीं है यूट्यूब के मामले में, क्योंकि यूट्यूब तो आप म्यूजिक भी डालो तो वो पकड़ लेते हैं, कॉपीराइटेड है। लेकिन फेसबुक में अभी इतना खास हुआ नहीं है, लेकिन हो चुका है 90% या 80% तक वो भी डिटेक्ट कर लेता है कि आपने ओरिजिनल कंटेंट यूज किया या फेक। तो उम्मीद है आपको सारा क्लियर हो गया होगा कि फेसबुक में आखिरकार अर्निंग कैसे होती है और क्या क्या आपको थ्रेशोल्ड और रिक्वायरमेंट चाहिए अपनी फेसबुक की मोनेटाइजेशन ऑन करने के लिए। याद रहे, वीडियो चाहिए पेज वगैरह में सिर्फ, और कोई भी इमेज और मीम से मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें। कोई भी सवाल हो, कोई भी थोड़ा कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछे, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Yeah.